हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आराधना स्वागत करती हूँ कोयनास कॉर्नर में। देखते हैं आज कोयनास कॉर्नर में क्या बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बनाना शेक बनाएंगे आज हम दो फ्लेवर में, एक नॉर्मली जिस तरह से हम बनाते हैं और दूसरा चॉकलेट फ्लेवर में। बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है और ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो बनाना शेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं दो बनाना लेंगे, जिसे आपको छिलका उतार देना है और हम इसे हाथों से हल्का सा तोड़ करके डाल देंगे ब्लेंडर जार में। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 से 3 चम्मच शुगर और 1 गिलास के करीब दूध। सिंपली हवा में इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। लगभग 1 से 1.5 मिनट तक हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो लीजिए, हमारा नॉर्मल बनाना शेक जो है ये बनकर तैयार हो गया है। हम गिलास में पोर कर लेते हैं। अब बनाते हैं दोस्तों चॉकलेट फ्लेवर में। बहुत ही सिंपल है, आपको बनाना ऐड करना है। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसमें 2 चम्मच शुगर ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच डालेंगे इसमें कोकोआ पाउडर, मिल्क डाल देंगे लगभग 1 गिलास। अब इसे हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। लीजिए, हमारा चॉकलेट फ्लेवर में बनाना शेक बनकर तैयार है। इसे हम पोर कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ठंडे ठंडे हमारे ये बनाना शेक बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। तो सिंपली इसे हम थोड़ा सा इस तरह से डेकोरेट कर देते हैं। तो लीजिए, इंजॉय करें कूल कूल बनाना शेक जो प्रोटीनिशियस होते हैं। आप इसे आसानी से इस तरह से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एंजॉय करें। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अलविदा, बाय बाय।